हे एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एएफ कैट यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का जो आपका एग्जाम होता है उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब एक्सिस के ऊपर अर्थ रोटेट करती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है रोटेशन की वो कौन सी होती है, तो वो होती है वेस्ट टू ईस्ट। देखो इसमें क्या कंसेप्ट लगता है कि जब भी हम मान लो ट्रेन से जा रहे हैं तो जब हम ट्रेन से जाएंगे तो हमको ऐसे लगता है कि जो पेड़ है ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। वास्तव में पेड़ पीछे की तरफ नहीं जा रहे होते, गाड़ी आगे की तरफ जा रही होती है। इसीलिए हमको ऐसे लगता है कि जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। वास्तव में सन कहीं पे नहीं जा रहा होता, अर्थ जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही होती है। इसीलिए हमको ऐसे लगता है कि जो सन है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन होती है रोटेशन की अर्थ की ऑन इट्स एक्सिस, उसकी एक्सिस के ऊपर वो होती है वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WTO। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जाना जाता था और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जो इसकी हुई थी वो हुई थी 1995 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। तो सेबी क्या होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है और इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सेबी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो वो मुंबई में है। और दूसरा, सेबी की जो स्थापना हुई थी यानी कि ये कब स्थापित हुई थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। तो आर्म्ड फोर्सेज आपको पता है हमारी तीन आर्म्ड फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो इनके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने ऑफिस से रिजाइन किया था, तो वो थे मोरारजी देसाई। फ्रीडम फाइटर थे वैसे ये और ये हमारे इंडिया के फोर्थ यानी कि चौथे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थ्रू विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड ए लीगल राइट। देखो पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था, फिर इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा के लीगल राइट में डाल दिया गया। लीगल राइट के अंदर आर्टिकल 300A के अंदर आता है ये, ठीक है, 300A के अंदर आता है। अगर ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। कौन से अमेंडमेंट से इसको हटाया गया, 44th अमेंडमेंट से हटाया गया, 44th अमेंडमेंट से। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 42nd अमेंडमेंट जो हमारा होता है वो हुआ था 1976 के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1976, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से संविधान संशोधन को यानी कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था, 1976 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो देखो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। गैल्वेनोमीटर भी इसका आंसर ठीक है और एमीटर भी इसका आंसर ठीक है। ठीक है, एमीटर भी करंट की स्ट्रेंथ नापने के काम आता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट की स्ट्रेंथ नापने के काम आता है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एमीटर से हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ नाप सकते हैं, हमको अगर करंट की स्ट्रेंथ नापनी है तो हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि डायरेक्शन भी माप सकते हैं साथ के साथ में, डायरेक्शन और साथ के साथ में स्ट्रेंथ। तो ऐसा हुआ होगा जब ये एग्जाम में आया होगा तो एमीटर ऑप्शन में होगा नहीं, तो ऑब्वियसली उसका गैल्वेनोमीटर आंसर हो गया। गैल्वेनोमीटर से हम दोनों डायरेक्शन भी दिखाता है साथ के साथ में स्ट्रेंथ भी बताता है करंट की यानी कि मैग्नीट्यूड भी बताता है, लेकिन एमीटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है करंट का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस होता है, फिर अगर वो दोनों ही करंट को बताते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। सबसे तेज जो होता है वो होता है भाई चीता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When did India became republic? तो आपको पता है 26 जनवरी 1950, इसी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है।
ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज दी विच इज दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। देखो अवार्ड जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सिविलियन और एक होता है गैलेंट्री अवार्ड। सिविलियन अवार्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत रत्न आता है, फिर पद्म वाले आ जाते हैं। इनकी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, सिविलियन अवार्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री। ठीक है, ये इनका ऑर्डर होता है। पहले नंबर पे भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण और फोर्थ के ऊपर हमारा क्या होता है, पद्म श्री। ये रैंकिंग होती है हमारे सिविलियन अवार्ड की। लेकिन अगर हम बात करें परमवीर चक्र की, तो परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, ये सिविलियन अवार्ड है। गैलेंट्री अवार्ड की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है, परमवीर चक्र होता है। परमवीर चक्र टोटल अब तक 21 दिए जा चुके हैं। पहला परमवीर चक्र जो मिला था वो किन्हें मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। डिफेंस परस्पेक्टिव से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। लेटेस्ट आपको पता है शेरशाह मूवी आपने देखी है, ये दिल मांगे मोर, तो कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल वॉर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की फुल फॉर्म होती है। जब भी आप कोई भी जैसे वेबसाइट वगैरह के लिए आप वो डालते हैं, ऊपर उसका एड्रेस डालते हैं, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में HTTP लिखा होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोनाल्डो आपको पता है किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। हु इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, सचिन तेंदुलकर। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसकी जगह पे अब क्या बना दिया गया है, नीति आयोग बना दिया गया, नीति आयोग यहाँ पे बना दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यहाँ पे नीति आयोग को, नीति आयोग क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट का एक क्या होता है, थिंक टैंक होता है। ठीक है, और इसके भी जो चेयरपर्सन होते हैं, मेन जो चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के, वो हमारे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हु डायरेक्टेड द मूवी अवतार, तो अवतार बहुत ही ज्यादा फेमस मूवी थी, अब अवतार 2 आ रही है। ठीक है, अवतार 2 आने को है बहुत सालों के बाद, दशकों के बाद हम कहेंगे। और इसके जो डायरेक्टर थे, यानी कि जो डायरेक्टर हैं अब अवतार 2 के भी जो डायरेक्टर होंगे, वो हैं जेम्स कैमरियन। तो ये क्योंकि अवतार 2 आ रही है तो इसलिए ये अब वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ये पहली भारतीय महिला, पहला भारतीय पुरुष, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होने चाहिए। तो आरती शाह, पहली वुमेन जिसने तैर कर पार किया था इंग्लिश चैनल को, वो कौन थी, आरती शाह। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू, तो लीव्स यानी कि पत्तों का जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आया कि क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है इनमें से। नीचे दे देंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के चार ऑप्शन, और मैग्नीशियम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर है, इंडिया गेट दिल्ली के अंदर। इंडिया गेट अगर आपसे पूछा जाता है तो आंसर होगा दिल्ली, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाता है तो आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर इंडिया वोन द ICC वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टेंसी ऑफ MS धोनी फॉर द सेकंड टाइम, तो 2011 के अंदर हमने जीता था MS धोनी की कैप्टेंसी के अंडर। आपको पता होगा ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है भाई, दुबई के अंदर, दुबई UAE के अंदर है। ठीक है, ICC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, दुबई के अंदर है। 1909 के अंदर इसकी क्या हुई थी भाई, स्थापना हुई थी ICC की, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वोन दी फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर दी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो ब्राजील ने जीता है फुटबॉल को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। ब्राजील की जो कैपिटल है वो है ब्राजीलिया, और ब्राजील के जो इस टाइम के ऊपर हेड हैं वो है जेयर बोल्सोनारो, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके FCAT के एग्जाम के लिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस एग्जाम से रिलेटेड होंगे वो मैं आपको वीडियो में कराता रहूंगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर आपसे पूछे हैं उनके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर जवाब देने हैं।
ये सीरीज मैं रेगुलरली लाता रहूंगा, और आप यकीन मानिए अगर आप इस सीरीज को रेगुलरली देखते रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके एफ कैट एग्जाम के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।